गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, फिर से हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी निफ्टी में लाइव मार्केट में लाइव ट्रेडिंग करने के लिए। चले जाएंगे हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और यहाँ पे आपके सामने जो है हमने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया है। यहाँ पे सेटअप आइडेंटिफाई करने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार करना है। मार्केट ने यहाँ पे कल जैसा सिनेरियो यहाँ पे दिया है, गैप डाउन ओपन हुआ, कल भी गैप डाउन ओपन हुआ था, आज भी गैप डाउन ओपन हुआ है। दो रेड कैंडल के साथ मार्केट फ्लैट है, एक रेंज में घूम रहा है। ठीक है, कल जैसे हमने आपको बताया था फिर निफ्टी में एक रेंज बनाया, रेंज में ब्रेकआउट मिलने के बाद हमने पोजीशन बनाई थी। आज भी यहाँ पे हमें एक रेंज दिखाई दे रही है, और यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है आज के दिन के डे लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, उसे भी हम लोग यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बुलिश साइड की ट्रेड क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि देखिए मार्केट जो है दो दिन से गैप डाउन ओपन होने के बाद बेरिश मोमेंटम दे रहा है। ठीक है, तो कॉल कहाँ पे खरीदे, ये डे हाई के यहाँ पे नहीं जा रहा है, कल भी डे हाई पे नहीं गया था, आज भी जो पहले 5 मिनट की कैंडल है उसके डे हाई तक नहीं गया है। तो यहाँ पे हम लोग कॉल साइड ट्रेड नहीं बना सकते। ठीक है, अगर हमें बनानी है ट्रेड वो हमें पुट साइड की ही बनानी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों हमने ईएमए लगाए हैं, वो दोनों ईएमए 9 और 44 के है। काफ़ी ट्रेडर्स हमें सब्सक्राइबर्स पूछते हैं कि वो ईएमए आपने कौन से लगाया है वो बताइए, तो 9 और 44 का है। और यहाँ पे देखिए उसके नीचे ये जो है बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो हमें यहाँ पे बुलिश साइन नहीं दिख रहा है, कोई बुलिश मोमेंटम नहीं दिख रहा है, तो कॉल कैसे खरीदेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डे का जो लो है वो भी ऑलमोस्ट तो ब्रेक होने आया है, तो यहाँ पे हम लोग एक पुट साइड की ट्रेड बना सकते हैं एक लॉट के साथ। मैक्सिमम रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि देखिए कल भी इतना मोमेंट नहीं था मार्केट में, आज भी मुझे लग रहा है कि 44,000 की लेवल जो है वो जो है ब्रेक हो चुकी है, और उसके नीचे मार्केट काफ़ी नहीं जाने के चांसेस है। ठीक है, मार्केट माइट भी 100-150 पॉइंट जा सकता है, वहीं पे हमें हमारा जो है प्रॉफिट बुक करना है। तो हमने यहाँ पे एक पुट साइड की ट्रेड बना ली है एक लॉट के साथ, और 50 पॉइंट से हमारा स्टॉप लॉस है, 80 पॉइंट से टारगेट है, माइट भी हम लोग आज मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर 1:1 भी मिलता है तो हम लोग ट्रेड से एग्जिट ले लेंगे। क्या 1:1 मतलब 50 पॉइंट से टारगेट, 50 का स्टॉप लॉस, यही हमको मार्केट से करना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ट्रेड आप देख सकते हो यहाँ पे हमने आपके सामने ली है। काफ़ी बार ट्रेड क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, जिन्होंने यहाँ पे पुट खरीदा होगा कल या परसों, जिनकी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन होगी उनको प्रॉफिट हुआ रहेगा। कॉल वाले तो खरीदे, कॉल वाले तो उनका स्टॉप लॉस निकाल के मार्केट से चले गए होंगे, जो पुट वाले होंगे वो मार्केट में रहेंगे और उनको अच्छा खासा प्रॉफिट अभी भी देख मतलब होता होगा। ठीक है, क्योंकि गैप डाउन मार्केट हुआ है 200-300 पॉइंट्स, और उसके बाद मार्केट फिर से 200 पॉइंट नीचे आया, मतलब उनको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे होता होगा। तो यहाँ पे देखिए डे लो के बाद अगर और अच्छी मूवमेंट आती है, और अगर 150 पॉइंट से अगर मूवमेंट हमें डाउन साइड देखने मिलती है, तो वहाँ पे हमारा जो टारगेट है 50, 60, 70 पॉइंट्स, ये आसानी से 80 हो सकता है। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, एट द एंड हमने क्या डिसाइड किया था, एक तो कॉल साइड या पुट साइड ट्रेड लेंगे। कॉल साइड तो कोई डाटा नहीं है, ट्रेड लेने नहीं सकते कॉल साइड, क्योंकि देखिए कोई मूवमेंट नहीं है कॉल साइड में। आप यहाँ पे देख सकते हो हमने जो है अभी हमारा स्टॉप लॉस है वो अभी यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, और यहाँ पे कॉल साइड ट्रेड करने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। अगर ये डे हाई तक जाता बैंक निफ्टी आज के डे हाई तक, तो माइट भी वहाँ पर हम लोग ट्राई करते कॉल साइड की ट्रेड लेने के लिए, लेकिन डे हाई तक नहीं गया, कल भी नहीं गया था, आज भी नहीं जा रहा है, और दो दिन से हमारे जो आप देख सकते हो मोमेंट है बैंक निफ्टी में काफ़ी स्लगिश है। एक रेंज में हमने मार्केट घूमता है, 200 पॉइंट्स के अंदर ही मार्केट जो है अप एंड डाउन करता है, और ऑप्शन बायर को इसमें प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन बायर को इसमें प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि आज एक्सपायरी है, और अगर हम लोग यहाँ पर जल्द से जल्द ट्रेड से एग्जिट नहीं लेंगे तो हमारे जो प्रीमियम से वो डीके होने लगेंगे। मतलब अगर मोमेंट नहीं रहेगी मार्केट में, अगर मार्केट एक ही पॉइंट पे घूमता रहेगा तो हमें वैसे भी 30-40 पॉइंट का लॉस उधर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने जो पोजीशन बनाई है पुट में, हमने स्टॉप लॉस लगाया यहाँ पे 50 पॉइंट का, फिलहाल तो हमें यहाँ पे नो प्रॉफिट और नो लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डे लो तो ब्रेक हो चुका है आज का, और सपोर्ट नहीं लेना चाहिए यहाँ से, अगर सपोर्ट लेता है तो माइट भी हमारी ट्रेड यहाँ पर फंस सकती है। ठीक है, फंस सकती है यहाँ पे, अगर हमारा यहाँ पे सपोर्ट लेता है बैंक निफ्टी ना, तो यहाँ पे हमारी ट्रेड फंस सकती है। तो हमें क्या करना है देखना है, लेकिन अगर 100 पॉइंट चलिए 43,900 की जो लेवल है वही हमें देखनी है, 44,000 की जो लेवल है वो ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुकी है, और यहाँ पे बैंक निफ्टी उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन उसके नीचे अगर अच्छी रेड कैंडल, जो पहले दो कैंडल्स बनी आप देख सकते हो काफ़ी बड़े वॉल्यूम के साथ बनी है,
ठीक है, जो पहले दो रेड कैंडल्स, अगर ऐसी एक आधी रेड कैंडल्स हमें मिल जाती है अभी तो माइट भी हमारा अच्छा टारगेट, मैं बोल रहा हूँ अच्छा टारगेट कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि वो जो पहले दो कैंडल्स है वो कम से कम 150 पॉइंट्स के आसपास ही बनी है 5 मिनट के टाइम फ्रेम। बाद में आप देख सकते हो एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन एक रेड, मतलब मार्केट यहाँ पे डिसाइडेड नहीं है कि मार्केट की मूवमेंट कहाँ पे जाने वाली है, मार्केट स्लगिश है, मतलब दोनों साइड की मूवमेंट यहाँ पे एक्सपेक्टेड हमें हो सकती है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, मूवमेंट चाहिए, वॉलेटिलिटी चाहिए, पार्टिसिपेशन चाहिए, जितने यहाँ पे बायर सेलर्स आएंगे उतना मार्केट में जो है यहाँ पे ट्रेडिंग का जो आप बोल सकते हो परसेंटेज बढ़ेगा। ठीक है, ट्रेड तो हमने यहाँ पे ली है पुट साइड की, वेट करते हैं मार्केट में, अगर टारगेट जो है हमारा कंप्लीट होता है तो डेफिनेटली हम टारगेट से एग्जिट लेने के लिए ट्राई करेंगे। ये आपके सामने हमने विंडो ओपन की है स्टॉप लॉस की, 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे रखा है, तो यहाँ पे देखिए एक मूवमेंट चाहिए, देखिए अभी 260 to 270 ऐसे फास्ट मूवमेंट चाहिए, देखिए एक कैंडल अगर बढ़ती है तो फास्ट मोमेंटम में हम लोग ट्राई करेंगे मार्केट से एग्जिट लेने के लिए। ठीक है, फास्ट मोमेंटम मैक्सिमम 270 तक चला गया था, मतलब हमें 22-23 पॉइंट यहाँ पे मिल गए थे, कितने 22-23 पॉइंट, लेकिन हमें मूवमेंट चाहिए एटलीस्ट 50 पॉइंट अगर हमें मिल जाते हैं तो हम लोग ट्रेड से एग्जिट ले लेंगे 50 पॉइंट्स के आसपास। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको कुछ डाउट्स अगर लाइव ट्रेड के लेकर रिलेटेड तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हम लोग ज़रूर उसका कमेंट का जो है रिप्लाई बैक करेंगे। और बीच में हमने आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी बताई थी फिब रिट्रेसमेंट वाली, उस पर भी हम लोग ट्राई करेंगे लाइव ट्रेडिंग करने के, लेकिन क्या होता है हम लोग सेटअप में मिक्सअप कर देते हैं, कभी कभी गलती हो जाती है, कभी कभी आपको ट्रेड जहाँ पे नहीं लेना है आप वहाँ पे ट्रेड लेते हो, तो एक ही सेटअप पे फोकस कीजिए। मैं ज़रूर अगर वो सेटअप अगर बनता है बैंक निफ्टी में कल या परसों में ज़रूर उस पर लाइव ट्रेडिंग आपको करके दिखाऊंगा। कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा, आपको देखना है लाइव ट्रेडिंग तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपको ज़रूर उस पर जो है वीडियोस बना के दिखाऊंगा। काफ़ी सब्सक्राइबर्स है जो हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं, कमेंट भी करते हैं, उनको मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि आप जितना हमारे वीडियोस को देख रहे हो जितना पसंद कर रहे हो उतना ही हमारे जो वीडियोस है और काफ़ी सब्सक्राइबर्स जा रहे हैं, तो ऐसे ही करते रहिए, हमें मोटिवेट करते रहिए। तो यहाँ पे देखिए फिलहाल हमारी ट्रेड जो है नो प्रॉफिट नो लॉस जोन में। ठीक है, अभी जैसे हमने आपको एक्सपेक्ट किया बताया था, ट्रेड से हम लोग इधर प्रॉफिट लेंगे नहीं तो स्टॉप लॉस देंगे। ठीक है, ये आपका डिसिप्लिन होना चाहिए, भले आप 10 दिन आपका स्टॉप लॉस छोड़ो लेकिन आपको ट्रेड को कंटिन्यूसली वही रखना है। ठीक है, मार्केट से बीच में ही नहीं निकलना, माइट भी ऐसे भी दिन सोचने जहाँ पे हमने बताया हमने एग्जिट लिया उसके बाद में हमारा टारगेट आसानी से कंप्लीट हो गया था, 1-2 मिनट अगर हम लोग रुकते मार्केट में तो हमारा टारगेट कभी कभी जो है कंप्लीट हो जाता, लेकिन हम लोग के पास वो पेशेंस नहीं रहता है। तो देखिए पेशेंस आपको कैसे डेवलप करना है, आपको मार्केट को इधर स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना है, अगर आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे पता चल जाएगा, अलर्ट लगाइए या बोल सकते हो आप यहाँ पे जो प्राइस आपको चाहिए वहाँ पे आप जो है लिमिट ऑर्डर डाल के भी रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर से एक मूवमेंट हमें दिख रही है 260 के आसपास, फिर से जो है हमारा पुट ऑप्शन चला गया है 262 हो चुका है। ठीक है, और एक और बड़ी मूवमेंट चाहिए, अगर अच्छी मूवमेंट आती है तो 50 पॉइंट के साथ हम लोग यहाँ पे मार्केट से एग्जिट ले लेंगे। ठीक है, ये देखिए वो कैंडल्स, बड़ी कैंडल चाहिए एक, ठीक है, एक अच्छी बड़ी कैंडल पे हमारा टारगेट हो जाएगा, या अगर ऐसी अच्छी बड़ी एक ग्रीन कैंडल बनती है ना हमारा स्टॉप लॉस भी चला जाएगा। यही है जब मार्केट में मूवमेंट नहीं रहता है, वोलेटिलिटी कम होती है, मार्केट साइडेज होता है या मार्केट में रेंज बाउंड होता है, तो भी ऐसे ही होता है, एक ही कैंडल आपके लिए जो है इनफ होती है टारगेट एंड स्टॉप लॉस हिट करने के लिए, एक ही कैंडल। ठीक है, काफ़ी बार आपने यहाँ पे देखा 260-265 तक चला गया था, 270 हाई देखा हमने, टारगेट हमारा जो है 300 के आसपास है। ठीक है, 300 मिलता है तो हम लोग मार्केट से एग्जिट ले लेंगे, तो हमारा स्टॉप लॉस तो आपके सामने हमने रखा ही है, हम लोग मार्केट को स्टॉप लॉस देकर चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जो स्टॉप लॉस की विंडो है ओपन कर दी है, और यहाँ पे जैसे ही हमारे स्टॉप लॉस के नज़दीक आ जाती है वो प्राइस, हम लोग यहाँ पे मार्केट से एग्जिट ले लेंगे, यहाँ पे टारगेट के लिए जरूर हम लोग इंतजार करने वाले हैं। तो यहाँ पे आगे का जो वीडियो हमने जो है फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, आप यहाँ पे इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको कुछ कमेंट्स हैं तो ज़रूर हमारे इस वीडियो पे आप कमेंट कीजिए, हम लोग उस पर रिप्लाई वाक जरूर करेंगे। तो मिलेंगे दोस्तों अभी तो न्यू ट्रेड न्यू स्ट्रेटजी, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।